खुद को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपके हेयर्स को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ डबल पैक में आप लोगों को टिप्स मिलने वाले चित्रांगदा एंड सोहा। सबसे पहले बताइए किस तरह के टिप्स आप देने वाली हैं अपने फैंस को स्पेशली? द ओनली टिप आई कैन गिव इज दैट वी आर हियर फॉर द लॉन्च ऑफ लिवॉन मोरक्कन सिल्क सीरम। अगर आप पैन करें तो बट एनीवे, सो इफ यू यूज दिस प्रोडक्ट, मैंने खुद ये यूज़ किया है फॉर अबाउट अ वीक, आई बीन यूजिंग दिस, इट्स वेरी लाइट ऑन द हेयर। ऐसा नहीं है कि स्टिकी होता है या लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, हेयर फ्लैट हो जाते हैं, यू डू कर्ल्स एंड यू नो इट डजंट होल्ड अ स्टाइल, सो दैट डजंट हैपन। चित्रांगदा, आप बंदूकबाज बन रही हैं, जरा उसके बारे में बताइए। बहुत ही नाम ही बहुत इंटेंस है एंड ऊपर से नवाजुद्दीन है फिल्म के अंदर, तो बहुत इंटेंस। इट्स अ फन फिल्म, एक थ्रिलर है, ड्रामा है, एक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की कहानी है। एक लड़की है हुज़ लिव्ड अ वेरी वाइल्ड लाइफ, सो उस तरह की फिल्म है। एंड आप यू नो काफ़ी टाइम हो गया, आई हैवन बीन ऑन स्क्रीन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन एंड इट शुड कम आउट नेक्स्ट ईयर। सो और इसके लिए ट्रेनिंग कुछ खास चल रही है, वर्कशॉप्स वगैरह कुछ तैयारियाँ? एक हमने बंगाली सीखी है कि किस तरह से अगर कोई बंगला औरत हिंदी बोलेगी तो कैसे बोलेगी कुछ वर्ड्स, तो उसकी वर्कशॉप थी एक। उसके अंदर मैं स्पेंड टाइम विद माय मॉम, यस सी दैट वुड बी मच इजीियर, दे डोंट लेट मी डू थिंग्स लाइक दैट, दे सेंड मी समबडी हु सिट्स एट होम एंड सेज अच्छा अब ये पढ़ो, सो दैट एंड हाँ वो एक वो मोची है यू नो उसमें वो काम करती है सड़क पर बैठ कर, तो वो सीखा कि कैसे जूते बनाना है जिससे कि वो एक तरह की प्रोफेशनल लगे यू नो बैठ कर, तो उसकी मेरी हुई थी क्लासेस। एंड अभी मुझे बाइक चलानी सीखनी है फॉर द फिल्म, सो इट इज़ अ लॉन्ग वे, आई एम हैविंग सच अ गुड टाइम, आई एम सो सो एक्साइटेड अबाउट वर्किंग विद नवाज एंड अबाउट दिस फिल्म। ओके, सोहा, हमने जो अभी कुछ दिन पहले खबर सुनी एंगेजमेंट की, जो एक अच्छी खबर आई थी, अब क्या चल रहा है सोहा, क्या क्या करने वाली है जो बहुत जल्द देखें? इंगेजमेंट के बाद क्या होता है? पर्सनल प्रोफेशनल में दोनों पूछ रही हूँ। पर्सनल में तो सब पूछ रहे हैं कि अभी शादी कब होने वाली है। आई थिंक कि हम भूल गए थे कि इंगेजमेंट के बाद लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कुणाल और मैं बहुत सबसे पहले बहुत ही आलसी हम दोनों एक्चुअली, और बहुत मतलब सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। हमें 5 साल लगे हैं इस इंगेजमेंट करने के लिए, तो मुझे तो लगता है कि 5 साल और लगेंगे शादी के लिए। बट फॉर द फिल्म्स ऑफकोर्स अक्टूबर 31 नेक्स्ट रिलीज होगी, जहाँ पर मैंने एक सरदारनी का रोल किया है, उसमें पंजाबी सीखनी पड़ी मुझे, और हमने हरियाणा में शूट किया था, और शिवाजी लोटन पाटिल जिनको नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, सो दैट शुड कम आउट इन फरवरी, आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। दैट्स ग्रेट। चित्रांगदा, वन मोर थिंग, आपकी प्रोडक्शन से एक फिल्म जो आने वाली है, जो जैसी न्यूज़ है कि वो संदीप सिंह के ऊपर जो बायोपिक बन रही है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या चल रहा है अभी? काम चल रहा है, स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे संदीप सिंह की फिल्म की लाइफ के ऊपर फिल्म बनाने के राइट्स हैं मेरे पास। एक बहुत ही अमेजिंग इंस्पायरिंग स्टोरी है, ही इज़ अ हीरो यू नो, एंड आई थिंक वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट द बेस्ट पीपल टुगेदर फॉर दिस, सो या दैट शुड बी नेक्स्ट ईयर। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है संदीप ने कहीं किसी और मुझसे भी उन्होंने यही कहा था एक्चुअली कि उनके फेवरेट एक्टर रणबीर हैं, सो बट आई मीन नथिंग इज़ बीन फाइनलाइज, सो वी आर स्टिल यू नो वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट। या